अयोध्या फैसले के बाद सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से धर्मगुरु और बाबा रामदेव ने मुलाकात की। इस दौरान शांति सौहार्द बनाए रखने को लेकर चर्चा की गई। मुलाकात कई घंटे चली। इस दौरान परमात्मानंद अवधेशानंद गिरीश या मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद मौलाना अरशद मदनी मौजूद रहे। सब एक ही कंठ से ये सिद्ध करके बताए कि हम सब सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसको मान्यता देंगे। यद्यपि अंदर कुछ असंतुष्ट है फिर भी हम मान्यता देंगे और आगे भी हम सब मिलकर आपस में बात करते हुए जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उसको रिजॉल्व करेंगे। इसमें हम जो भारत का स्वभाव है, भारत का जो मूल केंद्र बिंदु है, जो परस्पर सौहार्द, इसको तो हम मान्यता देंगे। ये सब लोग अपने अपने वक्तव्य में सिद्ध करके बताए। अजीत डोभाल साहब ने इसीलिए को बुलाया था, सबसे यही प्रार्थना थी राष्ट्र के लिए यही संदेश हो कि सभी सुखी समृद्ध और समता में स्थापित रहे। उन्होंने क्या कहा स्पेसिफिक शब्दों में अगर हम जाने? बस केवल ये कही बात, सबके सब समृद्ध सब समता में स्थापित। Recent verdict of Supreme Court. That is the prime issue which we have discussed, and also message we wanted to take to the entire country to maintain the peace and prosperity. Sir, any talk about के लिए भी कोई बातचीत हुई आप लोगों की security? Sir, any talk about the mandir construction? Regarding the yesterday's recent Supreme Court's verdict, we have discussed that. About you, you want?